Praise God. Praise God. God is good. All the time. God is good all the time for us. परमेश्वर हर समय भला है हमारे लिए. Amen. Amen. Let's pray before going to word. वचन में जाने से पहले आइए प्रार्थना करें. Prepare ourselves. अपने आप को तैयार करें. Open our heart. हमारे हृदयों को खोले. Open our God. Open our ears. और परमेश्वर हमारे कानों को खोले. If there is sin, let's ask forgiveness. यदि कोई पाप है तो उसके लिए माफी मांगे. Any evil thing, deny it. यदि कोई दुष्ट बात है तो उसको नकार करे. Let us give up. उसे छोड़ दे. So God give grace. इसीलिए कि परमेश्वर अनुग्रह करे. Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं. Thank you for you have given us one more day. आपने हमें एक नया दिन दिया, एक ज्यादा दिन दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद. By your word we are living. आपके वचन से हम जीवित हैं. Once again we are coming to you. फिर से एक बार हम आपके पास आते हैं. We want to listen your word. हम आपका वचन सुनना चाहते हैं. Holy Spirit, you talk to us. पवित्र आत्मा, आप हमारे साथ बात करो. In Jesus name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं. We believe you are. हम ये विश्वास करते हैं कि आप हो. You talk to us. आप हमसे बात करो. Talk to each one. हर किसी के साथ बात करो. And give us life. और हमें जीवन दो. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. 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 Praise God. Praise God. Praise God. Once again, I welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार मैं आप सबका यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ. God is good all the time. परमेश्वर हर समय भला है. Still, we see bad things in this world. आज भी हम इस दुनिया में गलत बातें, दुष्ट बातें देखते हैं. The truth, I got something new. That is my truth. मैंने कुछ नया पाया और ये मेरा सच्चाई है, मेरी तरफ से ये सच्चाई है. दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग. ये मेरी समझ है. गॉड इज गुड. परमेश्वर भला है. एंड गॉड इज क्रूअल ऑल्सो. और परमेश्वर क्रूर भी है. बट फॉर दोज हु आर बैड. लेकिन जो लोग खराब है उनके लिए गॉड इज गुड. परमेश्वर भला है. बट दोस हु आर बैड एंड इविल. लेकिन जो लोग खराब है और दुष्ट है. फॉर देम गॉड इज क्रूअल. उनके लिए परमेश्वर क्रूर है, निर्दय है. एंड ही हैव नो मर्सी. और उनके लिए उसके पास कोई दया नहीं है. फॉर एनिमी. दुश्मन के लिए. ही इज बैड गॉड. दुश्मन के लिए ये खराब प्रभु है, परमेश्वर है. लुक 20:16. लूक का सुसमाचार, उसका 20वां अध्याय 16वां वचन. जीसस सेड पैराबल. यीशु ने एक दृष्टांत कहा. वेयर द मास्टर सेंड सर्वेंट्स. मालिक ने सेवकों को, अपने दासों को भेजा. टू फार्म. खेत में भेजा. टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द क्रॉप. उसका जो पाक होता है उसमें से उसका फायदा लेने के लिए उसने अपने दासों को भेजा. बट द Tiller of the soil. Okay. Verse 9. 20:9. Luke का 20 और उसका 9वां वचन. Please anyone. कोई भी पढ़े. He went on to tell the people. Yes. This parable. A man planted a vineyard. Planted a vineyard. Rented it to some farmers. And rented it to some farmers. To some farmers. And went away for a long time. Yeah. तब वह लोगों से यह दृष्टांत कहने लगा कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और किसानों को उसका ठेका दे दिया और बहुत दिनों के लिए परदेश चला गया. At harvest time he sent a servant to the tenants. At the time he sent servants, but these people they killed their servants. और जब समय आया तब उसने अपने दासों को किसानों के पास भेजा, लेकिन ये किसानों ने उसके दासों को मार दिया. More is sent, more the kill. और जब उसने ज्यादा दास भेजे तो वो ज्यादा लोगों को भी किसानों ने मार दिया. Even the master sent his son. और मालिक ने उसका बेटा भेजा. This farmer also killed his son. ये किसानों ने उसके बेटे को भी मार दिया. So in verse 16, तो आगे 16वें वचन में. Now the master will, what will he do? तो अब ये जो मालिक है वो क्या करेगा? He is angry. वो अब गुस्से में है. And there is written, he will destroy all this farmer. और यहाँ पर लिखा है कि वो सब किसानों का नाश करेगा. For they have
killed the son. क्योंकि उन्होंने उसके बेटे को मार दिया. Now we see that this master will destroy. यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो मालिक है ये विनाश करेगा. We say our God is good God. हम ऐसा कहते हैं कि हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है. But now we are seeing in another. We are seeing him in another look. लेकिन अब हम उसका एक अलग रूप देखते हैं. Now he is angry. अब ये गुस्से में है. He will destroy the wine dresser. और जो दाग की बारी है उसके रखने वाले को वो नाश करेगा. He will destroy them. उनको उनका वो नाश कर देगा. Our God can destroy. हमारा परमेश्वर नाश कर सकता है. With his angerness. उसके गुस्से से वो नाश कर सकता है. Luke 19:27. लुका का सुसमाचार 19वां अध्याय और 27वां वचन. There also we read another parable. वहां पर भी हम एक दूसरा दृष्टांत देखते हैं. लूक 19:18. The second came and said, Sir, your mina has earned 5 more. Mina. Okay. This master gave minar to his servants. ये मालिक ने अपने दासों को मिनार दिए. According to their ability. उनके उनकी जो योग्यता थी उस तरह उन्हें मोहर दी. He gave 5 to 1. एक को उसने 5 मोहर दी. 2 to another. और दूसरे को उसने 2 मोहर. Third person he gave 1. और तीसरे को उसने 1 मोहर दी. And then he returned back. और जब वो वापस आया. He just asked the account. तब उसने उसका हिसाब मांगा. And people came and gave. और जो जिनको दिया था वो लोग आए और उसका हिसाब दिया. But the person who has just dig and hide the minar. लेकिन एक व्यक्ति की जिसने ये मोहर को नीचे जमीन में खड्डा खोदकर दबा दी थी, छुपाई थी. And not raise anything. और उसमें से उसने कुछ पाया नहीं था. So this master got angry. इसीलिए जो मालिक था वो दास के साथ गुस्सा हुआ. I believe you. मैंने तेरे पर भरोसा किया. I also gave you time. मैंने तुझे समय भी दिया. But you didn't produce anything. लेकिन तूने उसका कोई भी बदला नहीं दिया. Now you're written in 27. तो 27वें वचन में फिर लिखा है. He will punish. कि वो सजा देगा. Same way all my enemy I will punish them. और उसी तरह जितने भी मेरे दुश्मन हैं सबको मैं सजा दूंगा. Those who don't want that I rule over them. जो लोग ये नहीं चाहते कि मैं उनके ऊपर अधिकार चलाऊं. So our God is angry God. तो हमारा परमेश्वर है वो गुस्सा करने वाला परमेश्वर. He is good God. Every time people preach. हर समय लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि वो भला परमेश्वर है. But he is angry also. लेकिन वो गुस्सा वाला भी है. When we don't do according to his word. उसके वचन के अनुसार जब हम नहीं करते. He is a strict God. तो वो एक सख्त परमेश्वर है. Here he says, bring all my enemy. यहाँ पर ये कहता है कि मेरे सब दुश्मनों को लेके आओ. Let them come here. वो सब यहाँ आए. And I'll put to death before me. और उनको मैं मेरे सामने मार डालूंगा. I will kill, I will slay them before me. मैं उनको काट दूंगा, उनको मार डालूंगा. This is our good God. ये हमारा भला परमेश्वर है. He is angry. वो गुस्से में है. And he can kill before himself. और उसके सामने वो लोगों को मार भी सकता है. Revelation 6:16. प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 16वां वचन. Time will come. जब समय आएगा. People will say when Jesus will come back. लोग ऐसा कहेंगे कि यीशु मसीह आएगा. When Jesus will come back, we'll return. जब यीशु मसीह वापस आएगा तब लोग कहेंगे. People will fear him. लोग उसको उसका उसका डर रखेंगे. A good God. People will fear good God. और लोग उससे डरेंगे कि जो भला परमेश्वर है. People are preaching God is good. लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि परमेश्वर भला है. But now this good God, people will fear the good God. लेकिन ये जो भला परमेश्वर है उससे लोग अब डरेंगे. Adam also feared good God. आदम ने भी ये भले परमेश्वर का भय लगा, उसे डर लगा. And he hide himself. और वो उसने अपने आप को छुपा दिया. In verse 16 we read. 16वें वचन में हम पढ़ते हैं. They will say mountain and rock fall upon us. वो लोग कहेंगे कि पहाड़ और पत्थर हमारे ऊपर गिरो. They will say you kill me. वो लोग कहेंगे कि तू मुझे मार दे. The master is coming. क्योंकि मालिक आ रहा है. And we are hiding our face. और वो उनके चेहरे छुपाएंगे. We want to hide from this. मास्टर ये मालिक से हम हमारे चेहरे और अपने आप को हम छुपाना चाहते हैं.
They will hide. People will hide themselves. लोग अपने आप को छुपाएंगे. From the seat of the throne, who is sitting on the throne? क्योंकि जो सिंहासन पर बैठा है उससे ये लोग छुपाएंगे. Wrath of the Lamb is coming. क्योंकि मेमने का जो क्रोध है वो जाहिर होगा, वो दिखेगा. Bible says in Psalm 212. बाइबल ऐसा कहता है भजन संहिता दूसरा अध्याय 12वां वचन. Kiss the hair. जो उसका वंश है उसको चुंबन करो. Many many people read son. बहुत लोग ऐसा पढ़ते हैं पुत्र. Kiss the son. पुत्र को चुंबन करो. But there is not word written man. लेकिन यहाँ पर Hebrew in man not written man. हिब्रू में बैन. या बैन. बैन मीन सन. हिब्रू में पुत्र नहीं लिखा गया है. बट बार लिख रिटन बार बी आर बार. लेकिन बी ए आर बार लिखा है. इन हिब्रू इट्स बार दैट मींस हेयर. हिब्रू में बार लिखा है जिसका अर्थ होता है वंशज, उसका वंश. किस दी हेयर. जो वंश है उसको चुंबन करो. लेट ही बी एंग्री. किस वो गुस्सा ना करे. एंड यू पेरिश. यदि वो गुस्सा करेगा तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा. He is good God. वो भला परमेश्वर है. But he can kill. लेकिन वो मार भी सकता है. He can slay. वो काट भी सकता है. He can perish. वो नाश भी कर सकता है. He can destroy. वो विनाश कर सकता है. Blessed are those who believe on him. जो कोई उस पे विश्वास करते हैं वो लोग धन्य है. Believe the God who is very cruel God. वो परमेश्वर में विश्वास करो कि जो निर्दय है. He if we fear him. यदि हम उसका भय रखें, we will obey him. तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे. If someone say this, if you eat, you will die. यदि कोई ऐसा कहे कि तू ये खाएगा तो तू मर जाएगा. You will fear from that food. तो फिर तू वो खाने से तुम्हें डर लगेगा. We don't fear God. हम परमेश्वर से नहीं डरते. Because people are preaching God is good. क्योंकि लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि परमेश्वर भला है. But he is the same yesterday, today and forever. लेकिन वो कल आज और सदा के लिए वही परमेश्वर है. Before he was angry when people were in wilderness. जब लोग अरण्य में थे, जंगल में थे, तब भी वो गुस्से में था. Hebrews 11:3-11 says. इब्रानियों की पत्री तीसरा अध्याय और 11वां वचन कहता है. In my wrath, I swear you will not come in my rest. मेरे क्रोध में मैंने ये वचन लिया कि तुम मेरे विश्राम में नहीं आ पाओगे. God can be angry. परमेश्वर गुस्सा कर सकता When है. When we don't obey him. जब हम उसको नहीं माने तब. Moses didn't obey. मूसा ने परमेश्वर की ये बात नहीं मानी. God was angry. तब परमेश्वर ने गुस्सा किया. Abraham didn't obey. इब्राहिम ने परमेश्वर की बात नहीं मानी. God was angry. तब परमेश्वर ने गुस्सा किया. Who are you? आप कौन हो? He is same God. वो वही परमेश्वर है. We have been preached God is good. We have been preached. हमें ऐसा प्रचार किया गया, सिखाया गया है कि परमेश्वर भला है. But in his wrath, he can slew, say and slow. लेकिन उसके गुस्से में वो काट भी सकता है, मार भी सकता है. He slew that. और उसने दिखाया. His angerness. उसने अपना क्रोध दिखाया. He took wrath. You will not enter in my rest. उसने वचन लिया कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाओगे. They will not be invited in my rest. वो लोगों को मेरे घर में मेरे विश्राम में निमंत्रण नहीं मिलेगा. In another word, he said. दूसरे वचन में, दूसरे शब्दों में उसने कहा. I will say this thing. मैं ऐसा कहूंगा दूसरे शब्दों में. In his wrath, he said, no one you must bring to me. मेरे क्रोध में मैं ऐसा कहता हूं कि तुम किसी को भी मेरे पास लेके नहीं आना. आई वॉन्ट यू ऑल. मैं तुम सबको चाहता हूं. आई वॉन्ट यू. मैं तुम सबको चेतावनी देता हूं. दिस पीपल शुड नॉट कम इन माय रेस्ट. ये लोग मेरे विश्राम में नहीं आने चाहिए. सो डोंट प्रे फॉर देम. उनके लिए प्रार्थना मत करो. आई इन माय रॉथ आई से दिस. मेरे क्रोध में मैं ये कहता हूं. They will be not invited in my rest. उनको मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं मिलेगा, उनका स्वागत नहीं किया जाएगा. No one, please bring them near me. उनको कोई भी मेरे पास मेहरबानी करके मत लाना. In Hebrews 10:31 we read. इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 31वें वचन में हम पढ़ते हैं. It is fearful thing to fall into hands of the Lord. परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक भयावह बात है. God is living God. परमेश्वर जीवित परमेश्वर है. God is living God. परमेश्वर जीवित परमेश्वर. So right now if you go against him. तो अब यदि आप परमेश्वर के विरोध में जाओ. He is living God. तो वो जीवित परमेश्वर है. He is just
डू एक्शन ऑन द स्पॉट. वो तुरंत ही तुम्हारे विरोध में कार्य करेगा. फॉर ही इज लिविंग गॉड. क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है. डोंट थिंक आफ्टर वर्स ही विल पुट ही विल डू एक्शन. ऐसा मत सोचो कि बाद में बहुत दिनों बाद वो कुछ करेगा. ही एक्ट. ही इज लिविंग सो ही विल एक्ट ऑन द स्पॉट. वो जीवित परमेश्वर है वो तो वो तुरंत ही कार्य करेगा, बदला लेगा. Praise God. परमेश्वर की महिमा. So we are believing in living God. तो हम जीवित परमेश्वर में विश्वास करते हैं. If we go against him, यदि हम परमेश्वर के विरोध में जाएं, right now, तो तुरंत ही he will judge. तुरंत ही वो न्याय करेगा. For he is living God. क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है. So it is terrifying thing to fall in the hands of the Lord. तो परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक भयानक बात है. Hebrews 12:27-29 verse says. हिब्रू 12 अध्याय और उसका 27 और 29वां वचन कहता है. And this word yet once more he says once more. और यह वाक्य उसने कहा कि एक बार फिर. Signifies that before something happened. ये एक बार फिर जो लिखा है वो ऐसा दिखाता है कि कुछ होने से पहले. Before one was second. ये दुनिया हिलाई उससे पहले. Again he will shake the world. फिर से वो दुनिया को हिलाएगा. And he will shake it that nothing remain. और इस तरह से वो पूरी सृष्टि को हिलाएगा कि कुछ नहीं रहेगा. He just saw before. पहले he just did it before. पहले उसने ये पहले करके दिखाया. To show that really I am angry God. ये दिखाने के लिए कि सच में मैं गुस्सा करने वाला परमेश्वर हूँ. Like fire, that cannot be destroyed. That can destroy anything. हमारा परमेश्वर जलती हुई आग के समान है, जो वो कुछ भी नाश कर सकता है. For our God is indeed consume fire. क्योंकि हमारा परमेश्वर सच में जलती हुई आग के समान है. Listen, ये सुनो. Job 1:21. अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय और 21वां वचन. Our good God. हमारा भला परमेश्वर कैन टेक अवे ऑल द ब्लेसिंग. हमारे सब आशीर्वादों को ले सकता है. जॉब सेड. अय्यूब ने कहा. आई केम नेकेड फ्रॉम माय मदर्स वूम. मैं मेरी माँ के पेट से नंगा आया. एंड आई विल गो नेकेड. और मैं नंगा जाऊंगा. लॉर्ड गिव. परमेश्वर ने दिया. आई प्रेज हिम. और मैं उसकी महिमा करता हूँ. एंड लॉर्ड टेक इट अवे. और परमेश्वर ने सब ले लिया. ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड. परमेश्वर के नाम का महिमा हो. गुड गॉड कैन टेक इट अवे. अच्छा परमेश्वर वो उसे ले भी सकता है. सो फियर हिम. तो उसका भय मानो. गुड गॉड. वी से गुड गॉड. हम कहते हैं भला परमेश्वर. ही इज अ लिविंग गॉड. वो जीवित परमेश्वर है. पॉल सेज. पौलुस कहता है. व्हेन वी टेक लॉर्ड सपर वी मस्ट एग्जामिन आवरसेल्फ. जब हम प्रभु भोज लेते हैं तब हमें अपने आप की जांच करनी चाहिए. 1 Corinthians 11:28-28. पहला कुरंथी 11वां अध्याय और 28वां वचन. प्लीज एग्जामिन योरसेल्फ. इफ यू आर वर्दी ईट द ब्रेड एंड ड्रिंक द वाइन. मेहरबानी करके आप अपने आप की जांच करो और यदि आप योग्य हो तो ही प्रभु भोज की रोटी खाओ और वो द्राक्षारस पियो. पॉल सेज इन वर्स 29. पौलुस 29वें वचन में कहता है. फॉर अ मैन पुट्स हिमसेल्फ इन डेंजर. क्योंकि व्यक्ति अपने आप को भय में रखता है. ही is putting him in danger position. वो अपने आप को एक भयजनक परिस्थिति में रखता है. If he took part in the meal, यदि वो प्रभु भोज में भाग लेता है, we must be conscious. तो हमें अपने आप को हमें अपने we must be steady. हमें स्थिर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए. Without understanding, और समझ से बाहर बिना समझे, we take even the supper. यदि हम प्रभु भोज ले विदाउट अंडरस्टैंडिंग समझ के बिना यदि हम प्रभु भोज ले. वर्स 30 सेज. तो 30वां वचन कहता है. फॉर दिस कॉज यू आर वीक. इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल है. सिक और रोगी है. एंड मैनी आर स्लीपिंग. और बहुत सारे सो भी गए हैं. एंड मैनी आर डेड. बहुत सारे मर गए हैं. जस्ट टेकिंग लॉर्ड्स सपर. केवल प्रभु भोज लेने से. वी मस्ट एग्जामिन अवर सेल्फ. हमें अपने आप की परीक्षा करनी चाहिए, अपने आप को जांचना चाहिए. गुड गॉड कैन कर्स अस. जो भला परमेश्वर है वो हमें श्राप दे सकता है. गुड गॉड कैन टेक
टेक अवे द ब्लेसिंग ऑल्सो और जो भला परमेश्वर है वो हमारे आशीर्वाद ले भी सकता है टेक अवे अवर हेल्थ ऑल्सो और हमारा आरोग्य भी वो ले सकता है टेक अवे अवर लाइफ ऑल्सो हमारा जीवन भी वो ले सकता है एंड ऑल्सो कैन से यू विल नॉट एंटर और वो ऐसा भी कह सकता है कि तुम विश्राम में नहीं आ पाओगे Paul understood who is our Jesus Christ, good God. Paulus ने ये अच्छी तरह से समझ लिया कि हमारा भला परमेश्वर यीशु मसीह कौन है. He can kick us. वो हमें लात मार सकता है. And he can kiss us. और वो हमें चुंबन भी कर सकता है. He is good God. वो भला परमेश्वर है. Psalm 34:8. भजन संहिता 34वां अध्याय और 8वां वचन. Test and see. चखो और जानो God is good. कि परमेश्वर भला He is better than all. वो सबसे अच्छा है. Taste and see. चखो और जानो. You obey him fear with fear. और भय के साथ उसकी आज्ञाओं को मानो. And you will see how good is he. और आप देखोगे कि वो कितना भला है. He is good with good. वो भले के साथ भला है. And with bad. और दुष्ट के साथ वो he will show his judgment. दुष्ट के साथ वो अपना न्याय दिखाएगा. So in Old Testament it was written. इसीलिए पुराने नियम में लिखा था. Tooth for tooth. दांत के बदले में दांत. If you reject me, I will reject you. यदि तुम मुझे नकारोगे तो मैं भी तुम्हें नकार दूंगा. If you honor me. यदि तुम मुझे सम्मान दोगे. I will honor you. मैं भी तुम्हें सम्मान दूंगा. He is a just God. वो न्यायी धर्मी परमेश्वर है. In Psalm 135:3 says. भजन संहिता 135 और तीसरे वचन में. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो. For the Lord is good. क्योंकि परमेश्वर भला है. Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो. 136:1. 136 पहला वचन. Thank God for His good. यहोवा का धन्यवाद करो उसकी करुणा के उसकी भलाई के लिए. He has did good to you. उसने तुम्हारे साथ अच्छा किया है. For you obeyed your His word. क्योंकि आपने उसकी आज्ञाओं को माना. Now see how good relation he will maintain. अब ये भी देखो कि कितना अच्छा संबंध वो आपके साथ बनाए रखेगा. Praise God. परमेश्वर की महिमा. When we obey him, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, he shows his goodness. तो वो उसकी भलाई दिखाता है. But if we oppose him, लेकिन यदि हम उसका विरोध करें, we have read further what he can do. तो हमने आगे पढ़ा कि वो क्या कर सकता है. He will say, bring all before my feet and I will slay them. सबको मेरे सामने मेरे पैरों तक लाओ कि मैं सबको काट दूं. नहेमिया 1:7. नहेमिया की किताब उसका पहला अध्याय. He who trust him. जिसने उसमें भरोसा किया परमेश्वर में भरोसा किया. He is good to them only. वो केवल उसके लिए ही भला परमेश्वर. And if you are in trouble. और यदि आप परेशानी में हो. He will help you. तो वो तुम्हारी मदद करेगा. This is his goodness. ये उसकी भलाई है. God is good. परमेश्वर भला है. When we obey him, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, he will show his mercy. तब वो उसकी दया दिखाएगा. He will show his goodness. तब वो उसकी करुणा दिखाएगा. How good he is. कि वो कितना भला है. You will see his good friendship. उसकी अच्छी मित्रता आप देखोगे. In trouble, he will help you. परेशानियों में वो तुम्हारी मदद करेगा. If you really trust him, यदि आप सच में उस पर भरोसा करो. And follow his and obey his commandment. और उसकी सारी आज्ञाओं को मानो और उसके पीछे चलो. He will show his mercy. तो वो उसकी करुणा दिखाएगा. 1 Samuel 13:30-14. पहला समूएल 13वां अध्याय 13 और 14वां वचन. We know the story of Saul, king. हम समूएल साउल राजा की कहानी जानते हैं. He did sin. उसने पाप किया. But God was willing to give kingdom. तो किंग सॉल. लेकिन परमेश्वर साउल राजा को वो राज्य देना चाहता था. बट दिस सॉल वेंट अगेंस्ट गॉड. लेकिन ये साउल परमेश्वर के विरोध में गया. सो सैमुएल कम केम टू किंग सॉल. तो समूएल है वो साउल राजा के पास आया. एंड सेड यू आर डन फुलिशली. यू डिड फुलिश. और उसने साउल राजा से कहा कि तूने मूर्खता की है. यू हैव नॉट केप्ट द कमांडमेंट. तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना. यू हैव नॉट केप्ट द कमांडमेंट ऑफ गॉड. तूने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना. व्हिच ही कमांडेड यू. जो तूने उसने व्हिच ही कमांडेड. जो परमेश्वर ने तुझे आज्ञाएं दी थी. फॉर नाउ वुड द लॉर्ड हैव एस्टैब्लिश्ड इफ यू कमांड इफ यू हैव कंटिन्यू फेलोशिप. यदि तूने संगति बनाई रखी होती आज्ञाओं के माना होता तो यहोवा ने तेरा राज्य इसराइल पर सदा स्थिर किया होता. फॉर एवर अपॉन You were king.
over Israel forever. तो इज़राइल पर वो तुझे सदा के लिए राजा बना था. But now your authority will not continue. लेकिन अब तेरा अधिकार बने आगे नहीं बनने बने रहेगा. Now God is searching another man. अब परमेश्वर दूसरे व्यक्ति को ढूंढ रहा है. Who will please me? कि जो मुझे खुश करेगा, जो परमेश्वर. And I will make him the ruler. और मैं उसे अधिकारी बनाऊंगा. I have stopped looking at you now. अब मैंने तेरे ऊपर दृष्टि करना बंद किया है. I in trouble, I will not help you. अब जब तू परेशानी में होगा, मैं तुझे मदद नहीं करूंगा. I break relation with you. मैं तेरे साथ संबंध तोड़ता हूँ. I was good God. मैं भला परमेश्वर था. If you kept my commandment. यदि तूने मेरी आज्ञाओं को माना होता. I would show you how merciful I am. तो मैं तुझे दिखाता कि मैं कितना करुणा वाला परमेश्वर. I have good thoughts for all people. और सबके लिए मेरे पास अच्छे विचार है. But no one think and obey me. लेकिन किसी ने सोचा नहीं और मेरी बात नहीं मानी. Jeremiah 29:11 says. यर्मिया की किताब 29वां अध्याय और 11वां वचन. I have good thoughts and plan for you. Believe me. तुम्हारे लिए मेरे अच्छे विचार है और यह अच्छी योजनाएं है. तुम मेरा विश्वास करो. And if you believe me. और यदि तुम मेरा विश्वास करो. I am good. तो मैं भला हूँ. If you believe I am good. यदि तुम ऐसा विश्वास करो कि मैं भला हूँ. I will show my goodness. तो मैं मेरी भलाई तुम्हें दिखाऊंगा. Don't think I have planned to trap you. ऐसा मत सोचो कि तुम्हें फंसाने के लिए मेरी योजना है. Don't think that I have evil thought against you. और तुम्हारे विरोध में मेरे विचार दुष्ट है, ऐसा मत सोचो. Yes, God can trap you. हाँ, परमेश्वर आपको फंसा सकता है. Yes, God can slot against you. और परमेश्वर आपके विरोध में योजना बना सकता है. He is good God. वो भला परमेश्वर है. He can show how angry he is. लेकिन वो ये भी दिखा सकता है कि वो कितना गुस्सा वाला है. If he have good thought, यदि उसके विचार अच्छे होते हैं, he is good God. तो वो भला परमेश्वर है. And we have experience. और हमने वो अनुभव किया है. If we go against the living God. लेकिन यदि हम जीवित परमेश्वर के विरोध में जाए. He is living today. तो आज भी वो जीवित है. And if we go against him. और यदि हम उसके विरोध में जाए. Right now. तो इसी समय. He can be against us. वो हमारे विरोध में जा सकता है. Jeremiah 6:19. Give your earth. Jeremiah 6:19. यर्मिया की किताब 6 अध्याय 19वां वचन. I will make It will come upon this people. हे पृथ्वी, सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति लाऊंगा. Even the fruits of my thought, I have thought it. मेरी कल्पनाओं का. God can think good. परमेश्वर अच्छा भी सोच सकता है. And God can think and plan to destroy also. और परमेश्वर विनाश की कल्पना भी कर सकता है. We have just thought good God. हमने केवल भला परमेश्वर ही सोचा है. If he go against us. यदि वो हमारे विरोध में जाता है. We will say he is cruel God. तो हम कहेंगे कि वो तो घातकी क्रूर परमेश्वर है. But ask the people who are blessed. लेकिन जो लोगों ने आशीर्वाद पाया है, उनको पूछो. Ask the people who are in heaven. जो लोग स्वर्ग में है, उनको पूछो. They will say our God is good God. वो कहेंगे कि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है. But who are in fire? लेकिन जो लोग आग में है. They will say he is cruel God. वो ऐसा कहेंगे कि ये तो निर्दय परमेश्वर है. The truth is. सच्चाई ये है. People have experienced and got the reward that what they did. परमेश्वर लोगों ने अनुभव किया है और उन्होंने जो किया उसका उन्हें उनको बदला मिला है. Because they have not given attention to my words. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं लगा, उनको सुना नहीं. Verse 19. 19वां वचन. And they would have nothing to do with my law. और उनको मेरी व्यवस्था के साथ कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है. They just think I am nothing. वो ऐसा सोचते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ. I am giving my word. मैं मेरा वचन देता हूँ. I am giving promise. मैं वचन देता हूँ. I am giving blessing. मैं आशीर्वाद देता हूँ. I am giving my commandments. मैं मेरी आज्ञाएं देता हूँ. But they are just taking it lightly. लेकिन उसे वो सामान्य गिनते हैं. They are not paying attention to my word. मेरे वचन पर वो गौर नहीं करते, अपना ध्यान नहीं लगाते. I am angry. इसीलिए मैं अब गुस्से में हूँ. I have many thoughts against them. उनके विरोध में मेरे पास बहुत कल्पनाएं हैं. And listen, O earth. और हे पृथ्वी, तू सुन. I will make evil to come. और मैं इस तेरे ऊपर विपत्ति लाऊंगा. Even the thoughts that I have already have thought. और जो विचार मैंने पहले से सोचे थे, वो विचार मैं लाऊंगा.
आई एम अबाउट टू ब्रिंग क्लैमिटी ऑन द अर्थ, और मैं पृथ्वी के ऊपर आपत्ति लाऊंगा, विपत्ति लाऊंगा. ही कैन ब्रिंग थैट टू अस ऑल्सो, वो बात वो हमारे ऊपर भी ला सकता है. डोंट से ओल्ड टेस्टामेंट आई डिडंट रीड, आई डोंट बिलीव जर्मिया. ऐसा मत कहो कि पुराना नियम में मैं विश्वास नहीं करता, मैं यर्मिया में विश्वास नहीं करता. God word are living. परमेश्वर का वचन जीवित है. So same he is speaking. वही also. वही बात वो आज भी बोल रहा है. यर्मिया 32:20. यर्मिया 22. यर्मिया की किताब 23वां अध्याय 20 वर्स उसका 20वां वचन. The Lord is angry. He won't turn back. That is the word. परमेश्वर गुस्से में है और वो अपने गुस्से से वापस नहीं फिरेगा. He will not turn back. वो वापस नहीं फिरेगा. He show his angriness. वो अपना क्रोध दिखाएगा. He has showed love. उसने प्यार दिखाया. Now if people are waiting, don't have heard and saw another side. अब लोग इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने परमेश्वर का दूसरा भाग, दूसरा रूप नहीं देखा है. The anger of Jehovah shall not return until he have executed. पर यहोवा का गुस्सा जब तक उसने जो ठान लिया है वो पूरा नहीं करेगा, तब तक मुड़ेगा नहीं. Until he have performed the intents of his heart. और उसके he will not keep silent. जब जो उसने सोचा है वो जब तक वो पूरा ना करे तब तक वो चुप नहीं रहेगा. He will not cool down. वो अपने क्रोध को शांत नहीं करेगा. If he have thought I will slap. यदि उसने सोचा है कि मैं मारूंगा. Until he don't slap, he will not cool down. जब तक वो मारेगा नहीं तब तक वो अपने आप को शांत नहीं करेगा. He has said, I will destroy the earth. उसने कहा कि मैं पृथ्वी का नाश करूंगा. And with flood, he did it. और उसने वो पूरा पानी लाके बाहर लाके उसने किया. He saw it. उसने ये देखा. And he was cool. और उससे उसे शांति मिली. Until we also don't soar again as we just. Just keep quiet. जब Until it don't happen. जब तक हम अपना गुस्सा नहीं दिखाते तब तक हमें भी शांति नहीं मिलती. We don't feel silent. We don't जब have तक peace. तक हम शांत नहीं होते जब तक हमें खुशी नहीं मिलती. Jeremiah 19:5. यर्मिया की किताब उसका 19वां अध्याय 5वां वचन. They have built places of Baal. बाल के लिए उन्होंने ऊंचे स्थान बनाए. I have not commanded, not spoke. जो मैंने आज्ञा नहीं दी थी, जो मैं नहीं बोला हूँ. Even they sacrificed the children, I don't thought. मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि वो बालकों की बलि देंगे. Offering to Baal. बाल बाल को वो बच्चे की बलि देंगे. Neither came in my mind, I didn't thought it. ये विचार मेरे मन में आया भी नहीं था. परमेश्वर ऐसा कहता है. You are putting your children in fire. तुम तुम्हारे बच्चों को आग में डाल रहे हो. I thought, if I ask. यदि मैंने ऐसा सोचा कि यदि मैं ऐसा कहूँ. Come in fire for me. मेरे लिए अग्नि में आओ. How much you love me? तुम मुझे कितना प्यार करते हो? And I didn't even thought that for me you will sacrifice your children. मैंने ऐसा सोचा भी नहीं कि तुम तुम्हारे बच्चों को मेरे लिए बलिदान कर दोगे. But now this is out of my mind. लेकिन ये तो अब मेरे दिमाग से बाहर है. You are sacrificing your children to this Baal. तुम तुम्हारे बच्चों को ये बाल को बलिदान दे रहे हो. How horrible it is. कितना disgusting this is. ये कितनी खराब बात है, शर्म की बात है. Strange. ये बहुत विचित्र बात है. I didn't ask your children to sacrifice for me. मैंने ऐसा नहीं कहा है कि तुम्हारे बच्चों की बलि मुझे चढ़ाओ. But you are putting your children in fire to Molech God. लेकिन तुम तुम्हारे बच्चों को आग में डाल रहे हो जो मोलेक जो है उसके लिए. Your sons and daughters are putting them in fire. तुम्हारे बेटे और बेटियों को तुम मोलेक के लिए आग में डाल रहे हो. फॉर मी यू हैव नो लव. मेरे लिए तुम्हारे पास प्यार नहीं है. God is angry with this thing. परमेश्वर ये सारी बातों के लिए गुस्से में रहता है. Don't think that God don't love if someone is in fire. ऐसा मत सोचो कि कोई यदि आग में होता है तो परमेश्वर प्यार नहीं करता है. God can put people in fire. परमेश्वर लोगों को आग में भी डाल सकता है. हजकेल 36:5. हजकेल 36वां अध्याय और 5वां वचन. Because of this, what the Lord God says. ये इसी कारण अब ये परमेश्वर कहता है. Motivated by my burning zealousness. मेरे जलते हुए आवेश से मैं प्रेरणा पाकर ये कहता हूँ. मेरे आवेश में मैं ये कह रहा हूँ. I have spoken.
against the rest of surrounding nations. I will destroy all the nations surrounding in Israel. Israel के आजू बाजू के जितने भी देश है राष्ट्र है वो सब राष्ट्रों का मैं विनाश करूंगा. They have hurt me. उन्होंने मुझे दुख पहुंचाया है. They are happy to hurt me also. वो और मुझे दुख पहुंचा. They hate me. वो और मुझे नफरत करते हैं. So I am also angry with all these people. तो ये सारे लोगों के साथ अब मैं गुस्से में हूँ. Matthew 25:41. मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय 41वां वचन. People will be sent in fire. लोगों को आग में डाल दिया जाएगा. Those who are on left side of Jesus Christ, he will say. यीशु मसीह के बाई ओर जो लोग होंगे उनको वो कहेगा. Go from me. मुझसे दूर चले जाओ. I don't want you stand in my presence. मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी उपस्थिति में रहो. You are cursed one. तुम शापित लोग हो. In going to the fire, eternal fire. तुम अनंत काल की अग्नि में जाओ. Which is ready. जो पहले से तैयार है. Which is prepared. जो तैयार की है. For the evil one and his angels and his followers. जो दुष्ट लोग हैं उनके लिए और दुष्ट के लिए और उसके पीछे चलने वाले उसके दूतों के लिए वो तैयार किया गया अग्नि है. Already fire is there. पहले अग्नि पहले से ही वहां है. बिफोर ऑल क्रिएशन. सृष्टि बनाने से पहले. God has love. परमेश्वर ने प्यार किया. And God have wrath also. और परमेश्वर के साथ गुस्सा भी था. But that he executed when time came. लेकिन जब समय आया तब वो उसने दिखाया. He saw after judgment. उसने न्याय के बाद वो दिखाया. Jeremiah 11:18. Revelation 11:18. प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय 18वां वचन. The nation were angry. कि जो राष्ट्र है वो सब गुस्से में थे. But time for the wrath has come. Now God will show the wrath. लेकिन अब समय आया है कि परमेश्वर उसका क्रोध दिखाएगा. It is time for the dead to be judged. अब ये समय आया है मरे हुए लोगों के लिए कि उनका न्याय किया जाए. And all who fear your name both. और जो परमेश्वर का important and unimportant. जो परमेश्वर का भय नाम का भय मानते हैं जो आवश्यक है और जो नहीं आवश्यक है ऐसे सब लोगों का न्याय किया जाएगा. And destroy those who destroy the earth. और जो लोगों ने पृथ्वी का नाश किया वो लोगों का नाश किया जाएगा. God will destroy them who destroy God. God's thing. परमेश्वर ने जो बनाया है उनका जिसने विनाश किया वो सब लोगों का परमेश्वर विनाश करेगा. If we destroy our body, यदि हम हमारे शरीर का नाश करते हैं, God will destroy us. तो परमेश्वर हमारा नाश करेगा. If we destroy tree and plants and water, यदि हम पेड़ पौधे और water और पानी का नाश करें, God will destroy us. तो भी परमेश्वर हमारा नाश करेगा. If we destroy man, यदि हम लोगों को इंसान को मारे नाश करे इंसान God will destroy us. तो परमेश्वर हमारा नाश. Whatever if we destroy, जो कुछ भी हम नाश करेंगे that doesn't belong to us. जो वो हमारा नहीं है. All belongs to God. वो सब परमेश्वर का है. And if we destroy, और यदि हम उसका नाश करें. And if we support, और यदि वो उसमें हम समर्थन करें. God will destroy those who are destroying the earth. जो पृथ्वी को नाश करते हैं वो लोगों का परमेश्वर नाश कर देगा. This is clear written in Revelation 11:18. ये एकदम स्पष्ट रीति से लिखा गया है प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय और 18वें वचन में. Yes, God is not happy if we go or we backslide. हम यदि पीछे मुड़ जाए पीछे हटे तो परमेश्वर खुश नहीं होता. Hebrews 11:38. इब्रानियों की पत्री 10:38. 10वां अध्याय और 38वां वचन. I will be not pleased. मैं खुश नहीं होऊंगा. If you stop following me. यदि तुम मेरे पीछे चलने से रुक जाओ तो If मैं you follow me. यदि तुम मेरे पीछे चलो. You obey me. यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो. You will see my goodness. तो तुम मेरी भलाई को देखोगे. And you can say. और आप कह सकते हो. Our God is good. हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर. Jeremiah 13:17. यर्मिया की किताब 13वां अध्याय 17वां वचन. Listen. सुनो. But if ye will not hear it. यदि तुम ये बात नहीं मानोगे नहीं सुनोगे. My soul shall weep in secret. तो गुप्त में मेरी आत्मा शोक करेगी. For you have pride. क्योंकि तुम घमंडी हो. You are thinking we will not follow God. तुम ऐसा सोच रहे हो कि हम परमेश्वर के पीछे नहीं चलेंगे. This is pride. ये तुम्हारा अभिमान है. I am a big God. मैं बहुत बड़ा परमेश्वर हूँ. And you reject me. और तुम मुझे इनकार कर रहे हो. You are showing your proud. तुम तुम्हारा अभिमान दिखा रहे हो. I will cry. और इसके लिए मैं रोऊंगा. Because
You are being taken away as captives. क्योंकि तुम्हें कैदी बना के ले जाएगा. I don't want to see you captive. मैं तुम्हें कैदी के रूप में नहीं देखना चाहता. So I turn myself. इसीलिए मैं अपने आप को मोड़ देता हूँ. Even if you call. यदि तुम मुझे बुलाओगे. I will not see you. तो भी मैं नहीं सुनूंगा, नहीं देखूंगा. I will cry. मैं रोऊंगा. You don't know that I'm a good God. तुम ये नहीं जानते कि मैं अच्छा परमेश्वर हूँ. And you will think that in captive why Lord is not helping. कि हमारी कैद खाने में, हमारी गुलामी में परमेश्वर हमें मदद क्यों नहीं करता. We are in trouble, why God don't help. हम परेशानियों में हैं तो परमेश्वर हमें मदद क्यों नहीं करता. The truth is you didn't believe me. सच्चा ये है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी. If you have believed me. यदि तुमने मेरा माना होता. You have obeyed my word. यदि तुमने मेरे वचन को माना होता. But you have not obeyed, listen my word. लेकिन तुमने मेरे वचन को नहीं सुना और नहीं माना. So why did it? Cry secretly. तो मैं अब गुप्त में शोक करूंगा, रोऊंगा. I will weep sore. और मैं मेरी आंख से आंसू बहेंगे. Run down my tears. और मेरे आंसू बहते जाएंगे. But you will not see. लेकिन तुम नहीं देखोगे. And when you will be in captives. और जब तुम कैद में होंगे, गुलामी में होंगे. You will say. तब तुम कहोगे. God is cruel. कि परमेश्वर तो निर्दयी है. But God is good God. लेकिन परमेश्वर भला परमेश्वर है. Yeah, 1832. हजकेल की किताब 18वां अध्याय 32वां वचन. For I have no pleasure, don't think I rejoice. ऐसा मत सोचो कि मुझे आनंद मिलता है. In a death. कि किसी के मृत्यु में मैं खुश होता हूँ, ऐसा मत सोचो. If anyone dies. यदि कोई मरता है. I don't feel pleasure. तो मुझे खुशी नहीं मिलती. Because my creation is dying. क्योंकि मैंने जो बनाया है वो मर रहा है. बट आई कैनॉट हेल्प. लेकिन मैं मदद नहीं कर सकता. वाई गॉड कैनॉट हेल्प. क्यों परमेश्वर मदद नहीं कर सकता. बिकॉज ही इज अ जस्ट गॉड. क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है. ही लव्स देम हु लव्स हिम. जो उसे प्यार करते हैं उनसे परमेश्वर प्यार करता है. If we obey him, यदि हम उसको माने, he will take care. तो वो हमारी संभाल रखेगा. But if we don't give ourselves to him, लेकिन यदि हम अपने आप को परमेश्वर को ना दे, he cannot do anything. तो वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता. We are having free will. हमारे पास स्वेच्छा है, अपनी इच्छा दी गई है. If we really love God, यदि हम सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं, we must obey him. तो हमें उसकी बात को मानना चाहिए. But time will come. लेकिन समय जब आएगा, judgment will come. न्याय जब होगा, and people will see. तब लोग देखेंगे, how strong heart he have. कि परमेश्वर का हृदय कितना बड़ा है, कितना मजबूत है. He is consuming fire. वो भस्म करने वाला अग्नि भी है. And also having burning heart. और वो जलता, उसका हृदय भी जलता हुआ है. He is having feeling. उसके पास एहसास है. He gets angry. वो गुस्सा भी करता है. And he can even take any wrath. और वो गुस्से में कोई ऐसा शपथ भी ले सकता है. He can say I don't know you. और वो ऐसा भी कह सकता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता. He can also say you curseful people go away from me. वो ऐसा भी कह सकता है कि वो शापित लोग हो, तुम मेरी उपस्थिति से दूर चले जाओ. Even he can say take this. Wicked away from me. वो ऐसा भी कह सकता है कि ये दुष्ट लोगों को यहाँ से दूर ले जाओ. Bring before me and kill before me. मेरे सामने लेके आओ और उनको मार दो, ऐसा भी वो कह सकता है. And seeing this thing, और ये बात, ये सब देखकर, we can say, हम ऐसा कह सकते हैं, how cruel he is. हमारा परमेश्वर कितना निर्दय है, क्रूर है. But the truth is, लेकिन सच्चा ये है, he has heart. कि उसके पास हृदय है. He is not happy when he punishes his children. जब वो अपने बच्चों को शिक्षा करता है तब उसे खुशी नहीं मिलती, तब वो खुश नहीं होता. But he loves each one. लेकिन वो सबसे प्यार करता है. Matthew 12:18. I'm completing. मत्ती 12 अध्याय उसका 18 पूरा करूंगा. अंतिम वचन. God said, Father said to Jesus Christ. पिता ने यीशु मसीह से कहा, I am well pleased. मैं बहुत खुश हूँ. So I have put my spirit in you. इसीलिए मैंने मेरी आत्मा तेरे अंदर रखी है. We must please God.
हमें परमेश्वर को खुश करना चाहिए. We must please God. हमें परमेश्वर को खुश करना चाहिए. So that we can see how merciful he is. इसीलिए कि हम ये देख सके कि वो कितना करुणामय है. He forgives sin. वो पापों की माफी देता है. He heals people. वो लोगों को चंगाई देता है. He is a loving God. वो भला प्यारा परमेश्वर है. But if we go against him, लेकिन यदि हम उसके विरोध में जाएं, we will not see his goodness. तो हम उसकी भलाई को नहीं देखेंगे. And we will conclude. और फिर हम ऐसा कहेंगे, cruel God. कि निर्दयी परमेश्वर. Just obey him and see, test and see how good is. उसकी आज्ञाओं मानो, उसे चखो और देखो कि वो कितना भला है. God loves you all. परमेश्वर आप सबसे प्यार करता है. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. Just close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें. And if we have gone, went away from him. और यदि हम परमेश्वर से दूर गए हैं. Go away from him. यदि परमेश्वर से हम दूर चले गए हैं. Come back. तो उसके पास वापस आए. We have not still saw his goodness. हमने अब तक उसकी भलाई नहीं देखी. Jesus Christ said, I will pray to Father. यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा. I will not let you alone. मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा. I will not let you feel you are alone. मैं तुम्हें महसूस नहीं करने दूंगा कि तुम अकेले हो. I will pray to Father. मैं पिता से विनती करूंगा. Holy Spirit. पवित्र आत्मा. Truth Spirit. सच्चाई की आत्मा. He will come. वो आएगा. And he will abide with you. और वो तुम्हारे साथ रहेगा. This is love of God. ये परमेश्वर का प्यार है. God has not left us alone. परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा. Holy Spirit is with us. पवित्र आत्मा हमारे साथ है. He help us to believe Jesus Christ. वो हमें यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए मदद करता है. He help us to please God. वो परमेश्वर को खुश करने के लिए हमें मदद करता है. He help us in our weaknesses. हमारी कमजोरियों में वो हमारी सहायता करता है. Thank you, Father, for your word. पिता, आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद. You are good God. आप अच्छे परमेश्वर हो. If we obey you, यदि हम आपकी आज्ञाओं को माने, we see all your goodness and mercy. तो हम आपके सारे भलाई को और दया को देखेंगे. But if we go against you, लेकिन यदि हम आपके विरोध में जाए, we are been sent in captive. तो हमें कैदी बनाकर दूर भेज दिया जाएगा. We have been punished. हमें सजा मिलेगी. We are in trouble. और हम मुश्किल में आ जाएंगे. एंड सो वी विल नॉट सी योर गुडनेस. और हम आपकी भलाई को नहीं देख पाएंगे. वी वांट टू सी योर गुडनेस. हम आपकी भलाई को देखना चाहते हैं. वी वांट टू कंटिन्यू विद अस. हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ हमेशा बने रहो. गिव अस फेलोशिप जीसस क्राइस्ट. यीशु मसीह हमें संगति दो. हैव मर्सी जीसस क्राइस्ट. हमारे ऊपर दया करो यीशु मसीह. होली स्पिरिट बी विद अस. पवित्र आत्मा हमारे साथ बने रहो. टॉक टू अस एवरी डे. हमारे साथ हर रोज बात करो. गिव अस रेवलेशन. और हमें प्रकाश दो. थैंक यू फॉर यू आर टॉकिंग टू अस एवरी डे. आप हमारे साथ हर रोज बात करते हो, उसके लिए आपका धन्यवाद. यू आर होल्डिंग आवर हैंड्स. आप हमारे हाथों को पकड़े रखते हो. इवन वी गो अगेंस्ट यू. यदि हम आपके विरोध में भी जाए, but you show your mercy. तो भी आप अपनी करुणा. This is your grace. ये आपका अनुग्रह है. This is your love. ये आपका प्यार है. But we ask forgiveness. But लेकिन हम उसके लिए माफी चाहते. Sorry Lord. प्रभु हमें माफ कर. We have hid ourselves. हमने अपने आप को छुपाया है. We have not obeyed your commandment. हमने आपकी आज्ञाओं को नहीं माना. As it your commandment is the thing. हमने ऐसा सोचा कि आपकी आज्ञा कोई मायने नहीं रखती. But you are good God. लेकिन आप अच्छे परमेश्वर. You are great God. आप महान परमेश्वर. If we go against you, यदि हम आपके विरोध में जाए, we have been punished. तो हमें सजा मिलती है. But still you have mercy. फिर भी आप हमारे पर दया करते. You have grace us. और फिर भी आप अनुग्रह करते हो. थैंक यू फॉर योर ग्रेस. आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद. We come back to you. हम आपके पास वापस आते हैं. Repent, Lord. हम प्रायश्चित करते हैं. Show us your goodness. आपकी भलाई हमें दिखाओ. In Jesus name. यीशु के नाम में. Let your goodness every day we see. आपकी भलाई हर रोज हम देखे. We don't want to see your wrath. हम आपका क्रोध देखना नहीं चाहते. We don't want to see your angerness. हम आपका गुस्सा देखना नहीं चाहते. We don't want to be punished. हम सजा पाना नहीं चाहते. You are living God. आप जीवित परमेश्वर हो. Whatever we do, जो कुछ भी हम करें, we take care. उसके लिए हम संभाल रखे. हम give us grace. हमारे पर अनुग्रह कर. In Jesus name. यीशु के नाम में. Be with us. हमारे साथ बने रहे.
Amen. Amen. Let's pray what we are taught. प्रभु ने जो सिखाई वो प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven. हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। Hallowed be thy name. तेरा नाम पवित्र माना जाए। Thy kingdom come. तेरा राज्य आए। Thy will be done. तेरी इच्छा पूरी हो। As it is in heaven, let be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। Give us our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। And forgive our debts. और हमारे अपराधों को क्षमा कर। As we forgive all our debts. जैसे हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया। Lead us not into temptation. और हमें परीक्षा में ना ला। But deliver us from all evil. लेकिन बुराई से हमें बचा। For thine is kingdom. क्योंकि राज्य तेरा। Thine is power. पराक्रम तेरा। Thine is glory. महिमा तेरी है। Forever you are king. सदा के लिए आप राजा हो। Amen. Amen. Now the grace of our Lord Jesus Christ. अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। Love of our God. और हमारे परमेश्वर का प्यार। And fellowship of Holy Spirit be with us and with all who are watching, listening and agreeing with the word of God. और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबके साथ बनी रहे और हमारे साथ बनी रहे और जो कोई भी सुन रहे और देख रहे हैं और वचन के साथ एक हो रहे हैं सबके साथ बनी रहे। आमेन। आमेन। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर का महिमा हो।